Everyone, I'm Professor N.D. Sate, welcomes you all in the 32nd lecture of Electrical Measurement subject. So my dear students, we have discussed about the single phase electronic energy meter in the last lecture, right? Then three phase induction type energy meter, then single phase electronic energy meter, and third point, calibration of electronic energy meter by direct loading method. So these three points we have discussed in the last lecture, and I have already told you that in the next lecture we'll discuss again the calibration of energy meter by direct loading method in another way, right? The explanation is in another way, right? So this is the diagram for calibration of energy meter by direct loading method. अगर ये डायग्राम और लास्ट लेक्चर की डायग्राम आप देखोगे तो सेम ही डायग्राम है, थोड़ा सा डिफरेंस उन्होंने दिखाया है। यहाँ पे देखो सिंगल फेज एसी सप्लाई है, यहाँ पे भी आपने सिंगल फेज एसी सप्लाई दिखाया, ये स्विच है आपका, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है सिंगल फेज एसी सप्लाई के पैरल में, और एक एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे द सब स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर कनेक्ट किया है, और यहाँ पे एनर्जी मीटर अंडर टेस्ट, ये दो मीटर ऐसे कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड मीटर और मीटर टू बी कैलिब्रेटेड ऐसे दो मीटर दिखाए थे, ठीक है। और यहाँ पे इसके सब स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर एंड एनर्जी मीटर अंडर टेस्ट के करंट एंड प्रेशर को इस दिखाए हैं, ठीक है, और ये लोड के कनेक्शन दिखाए हैं आप, सिर्फ यहाँ पे फेज शिफ्टर नहीं दिखाए हैं, बाकी सेम डायग्राम एज इट इज है ये और ये, थोड़ा सा अलग इसको अलग तरीके से यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, लेकिन मीनिंग दोनों डायग्राम का सेम है, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी सेम ही है, ठीक है, थोड़ा सा अलग वर्ड्स में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है पॉइंट दैट वी विल सी, राइट। सो देर आर थ्री मेथड्स फॉर टेस्टिंग और कैलिब्रेशन, यहाँ पे तीन मेथड्स हैं टेस्ट करने के लिए मीटर को या फिर कैलिब्रेशन करने के लिए मीटर का। कैलिब्रेशन का डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बोला है, और जहां जहां पे कैलिब्रेशन वर्ड ये आता है वहां वहां पे मैंने आपको कैलिब्रेशन की डेफिनेशन बोली है, ठीक है। सो कैलिब्रेशन, आई विल डिफाइन कैलिब्रेशन, फाइंडिंग आउट दी एरर इन दी मीटर By comparing it with a standard meter, ठीक है, this is the definition of a calibration. So यहाँ पे तीन methods है, ये first है long period dial method, long period dial test, second है आपकी using rotary substandard meter, and third यहाँ पे method है using precision grade instruments, ठीक है। तो ये तीन methods है अपन कौन से भी meter का calibration या फिर उसकी testing कर सकते हैं, ठीक है, समझ लिया, तीन method, लॉन्ग पीरियड डायल टेस्ट मेथड आहे, दुसरी आहे यूजिंग रोटरी सब स्टैंडर्ड मीटर, तिसरी आहे यूजिंग प्रिसिजन ग्रेड इंस्ट्रूमेंट्स। या तीन मेथड ना आपण कुठल्याही मीटरचं कॅलिब्रेशन किंवा त्याची टेस्टिंग करू शकतो। सो ऑल अबव मेथड्स यूजेस अ कनेक्शन ऑफ एनर्जी मीटर अंडर टेस्ट इन पॅरलल विथ द रोटरी सब स्टैंडर्ड मीटर और प्रिसिजन ग्रेड मीटर। या तिन्ही मेथड मध्ये काय करतोय आपण, जे कनेक्शन आहे आपल्या एनर्जी मीटर अंडर टेस्टचं, म्हणजे ज्या मीटरचं आपल्याला कॅलिब्रेशन करायचं किंवा टेस्टिंग करायची आहे, ते एनर्जी मीटर अंडर टेस्ट आपल्याला काय करायचं, पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचे तिथल्या रोटरी सब स्टँडर्ड मीटरच्या किंवा तिथल्या प्रिसिजन ग्रेड मीटरच्या ते पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचं, ठीक आहे। जे एनर्जी मीटरची टेस्टिंग करायची आपल्याला, ते आपल्याला तिथल्या रोटरी सब स्टँडर्ड मीटरच्या किंवा प्रिसिजन ग्रेड मीटरच्या पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचं, ठीक आहे, या तिन्ही मेथड मध्ये, समझ में आया। तो ये फर्स्ट पॉइंट दिया है कि जो एनर्जी मीटर का हमें टेस्टिंग करना है, ठीक है, वो क्या करना है आपको, रोटरी सब स्टैंडर्ड मीटर के या फिर प्रिसीजन ग्रेड मीटर के उसको उसके पैरेलल में कनेक्ट करना है वो कभी भी, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट दिया है। सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, एज इन द फिगर द करंट कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पे दिखता है आपको ये जो करंट कॉइल्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, करंट कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है आपके, ये आपकी करंट कॉइल है, ये आपके कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है,
सो हेंस बोथ द इंस्ट्रूमेंट कैरी सेम करंट. तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स से या दोनों मीटर से सेम करंट पास होगा आपको. ठीक है, यहाँ पे देखो ये करंट कॉइल है, ये डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, ये दोनों करंट कॉइल्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे के. तो उसकी वजह से दोनों इंस्ट्रूमेंट में से सेम करंट फ्लो हो जाएगा आपका. एंड प्रेशर कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो प्रेशर कॉइल है आपकी, ये पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड है आपके, पैरेलल में. सो दैट द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस देम. वो पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा. प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहे. ठीक है, इधर करंट कॉइल जे आहेत, दोन्ही इंस्ट्रूमेंट जे आहेत आपल्याला सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचे, त्यामुळं दोन्ही इंस्ट्रूमेंट्स मधून सेम करंट तिथे कॅरी केला जाईल. आणि प्रेशर कॉइल्स आपल्याला पॅरल मध्ये कनेक्ट करायच्या, जेणेकरून प्रेशर कॉइलच्या अक्रॉस जे वोल्टेज असणार आहे ते कसं असणार आहे, सेम असणार आहे. ठीक आहे, अँड द मीटर्स आर स्टार्टेड. नंतर आपल्याला मीटर दोन्ही स्टार्ट करायचे थे. ठीक आहे, मीटर्स आर स्टार्टेड अँड स्टॉप्ड ऍट द सेम टाइम. दोन्ही एकाच टाइमला तिथं स्टॉप करायचे. ठीक आहे, द मीटर्स आर स्टार्टेड अँड स्टॉप्ड ऍट द सेम टाइम. द एनर्जी रिडिंग्स ऍट द एंड आर कम्पेअर्ड. और दोनों एनर्जी रीडिंग जो है आपके मीटर के, वो एंड में क्या करते हैं आपको, कंपेयर करने हैं और वहां का एरर आपको कैलकुलेट करना है. एंड मीटर इज करेक्टेड, तब आप वो मीटर वहां पे करेक्ट करने आता है. ठीक है, तो लेट डी इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मीटर अंडर टेस्ट इन किलोवाट आवर. जो हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी दिया है. सो डी एस इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सब स्टैंडर्ड मीटर इन किलोवाट आवर. तो इससे हम परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी माइनस डी एस डिवाइडेड बाय डी एस इंटू 100. ये फॉर्मूले से हम वहां का परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, समझ में आया. तो ये एक्सप्लेनेशन है. तो अगर दोनों में से आपको जो भी एक्सप्लेनेशन लगे इजी लगे वो आप लिख सकते हो. ये एक्सप्लेनेशन लिखो या फिर ये एक्सप्लेनेशन मेन एग्जाम में लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है अपना एरर इन अ सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर. जैसे हमने इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में अलग अलग टाइप के एरर्स देखे थे, वैसे इलेक्ट्रॉनिक सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर में भी कुछ एरर्स होते हैं. ठीक है, तो वो एरर्स है. फर्स्ट एरर है आपका एरर ड्यू टू द रॉन्ग सेंसर ऑपरेशन, एरर ड्यू टू द रॉन्ग सेंसर ऑपरेशन. सेकंड एरर है आपका एरर ड्यू टू द टेम्परेचर. ठीक है, पहला एरर कुठला है, रॉन्ग सेंसर ऑपरेशनचा एरर आहे. दुसरा एरर आहे आपला टेम्परेचरचा. तिसरा एरर आहे आपला रॉन्ग सिटी ऑपरेशनचा, रॉन्ग सिटी ऑपरेशन यानी रॉन्ग करंट ट्रान्सफॉर्मर ऑपरेशन. चौथा एरर आहे आपला रॉन्ग पीटी ऑपरेशन, म्हणजेच रॉन्ग पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर ऑपरेशन. देन फिफ्थ एरर आहे आपला एरर ड्यू टू द रॉन्ग ऑपरेशन ऑफ द स्केलिंग नेटवर्क. ठीक है, एरर ड्यू टू द रॉन्ग ऑपरेशन ऑफ द स्केलिंग नेटवर्क. देन सिक्स एरर आहे आपला एरर ड्यू टू द रॉन्ग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ऑपरेशन, एडीसी ऑपरेशन. आणि सातवा एरर आहे एरर ड्यू टू द रॉन्ग डिस्प्ले. तर असे हे सहा सात टाईपचे एरर्स सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर मध्ये होऊ शकतात. ठीक आहे, नाउ विल सी द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर. अतिशय सोपे ऍडव्हान्टेजेस, दोन दोन मार्कासाठी तुमच्या मेन एक्झाम मध्ये विचारले गेलेले आहे. ठीक आहे, तो क्या क्या ऍडव्हान्टेजेस है वो देखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर की कॉस्ट लो है, एक्यूरेसी हाई है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, हाई सेंसिटिविटी होती है, नो फ्रिक्शनल लॉसेस, फ्रिक्शनल लॉसेस कोई भी नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो वहाँ पे एल्यूमिनियम डिस्क कहीं पे भी रोटेट नहीं होती है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन लॉसेस नहीं है इसमें. देन लेस लोडिंग इफेक्ट, लोडिंग इफेक्ट इसमें लेस है. देन हाई फ्रिक्वेंसी रेंज होती है इसकी. देन पावर कंजम्पशन इज लेस, पावर कंजम्पशन लेस है इसका. ठीक है, देन हाई रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन हाई है इसका. नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ. देन इलेवंथ, लो लोड, फुल लोड, पावर फैक्टर एंड क्रीपिंग एडजस्टमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड.
लो लोड या फिर फुल लोड या फिर पावर फैक्टर एंड क्रिपिंग एडजस्टमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं। ठीक है, वैसे बहुत सारे एडवांटेजेस ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर के हैं। ठीक है, 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें से आपको ये एडवांटेजेस लिखने होते हैं। ठीक है, इजी है, राइट। नाउ विल सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। ये है आपकी ब्लॉक डायग्राम थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर की। हमने सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर देखा है, ठीक है, उसकी ब्लॉक डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग देखा। अभी हम देखेंगे थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग। तो ये सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है आपका, जिसमें हम एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर मेजरमेंट एंड एनर्जी मेजरमेंट यूनिट है ये आपका। ठीक है, इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट में हम एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं और एनर्जी भी वहां पे मेजर कर सकते हैं। ये आपका कंट्रोल प्रोसेसर है, जिसमें हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। डिस्प्ले है यहाँ पे, मेमोरी मैनेजमेंट है, सीरियल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे मेमोरी है आपकी, ये आपकी आरटीसी है, ये एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, देन ऑप्टिकल पोर्ट है यहाँ पे, ये आपका डिस्प्ले रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको पोटेंशियल डिवाइडर यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये पीटी रहेगा आपका, पोटेंशियल डिवाइडर यानी पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये सिटी रहेंगे आपके, यहाँ पे 4 सिटी दिखाया है, करंट ट्रांसफॉर्मर 4 है, CT1, CT2, CT3 है, CT3 एंड CT4। और ये सिटी कहाँ पे कनेक्टेड है आपके, हर एक फेज में कनेक्टेड है। ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, और ये न्यूट्रल वायर है आपका। ये RS232 पोर्ट है आपको, और ये यहाँ पे आपके सप्लाई के RYB एंड ये टर्मिनल्स है। ठीक है, तो ऐसे ये आपकी ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दी है थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर की। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। सिर्फ ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में। तो ये ब्लॉक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके मेन एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहे तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में देख सकते हो इसको। ठीक है, ये आपके टर्मिनल्स, लोकल के टर्मिनल्स है, L1, L2, L3 है, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सो थ्री फेज सप्लाई टर्मिनल्स RYBN आर कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई साइड। यहाँ पे जो थ्री फेज टर्मिनल सप्लाई के टर्मिनल्स है RYBN, ये हमने कनेक्ट किए हैं। ठीक है, सप्लाई साइड से थ्री फेज सप्लाई टर्मिनल्स आर कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई साइड। देन CT1, CT2, CT3 आर कनेक्टेड इन RYB फेज रिस्पेक्टिवली। ये देखो यहाँ पे CT1 कहाँ पे कनेक्टेड है, R फेज में, CT2 कहाँ पे कनेक्टेड है, P फेज में, और CT3 कहाँ पे कनेक्टेड है आपका, सॉरी CT2 यहाँ पे Y फेज में कनेक्टेड है, और CT3 कहाँ पे कनेक्टेड है आपका, B फेज में। तो CT1, CT2 एंड CT3 कहाँ पे कनेक्टेड है आपके, RY एंड B फेज में रिस्पेक्टिवली। एंड दीज स्टेप डाउन द करंट। ये सिटी क्या करेंगे, वहां के करंट को स्टेप डाउन करेंगे एक सुटेबल वैल्यू पे, एंड इट इज गिवन टू द सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट। वहां पे स्टेप डाउन करने के बाद करंट सुटेबल वैल्यू पे, ये सिटी क्या करेंगे, ये करंट को क्या करेंगे, सुटेबल वैल्यू पे उसको स्टेप डाउन करेंगे, और स्टेप डाउन करके वो कहाँ पे दिए जाते हैं करंट, दे सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट को। यहाँ पे दिख रहा है ये सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट को जाए गए हैं टर्मिनल CT1, CT2 एंड CT3 से, क्लियर है। देन PT और पोटेंशियल डिवाइडर इज यूज टू स्टेप डाउन द लाइन वोल्टेज। PT यहाँ पे एक ही यूज किया है, तो PT की किसके लिए यूज करना है अपने को, वहां का जो लाइन वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करना है सुटेबल वैल्यू पे। ठीक है, लाइन वोल्टेज जो है उसको सुटेबल वैल्यू पे स्टेप डाउन करना है, एंड इज गिवन टू द सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट, और वो भी किसको देना है आपके, ये सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, PT यानी पोटेंशियल डिवाइडर सुद्धा कुठे कनेक्ट केलेलं आहे आपण, पोटेंशियल डिवाइडर कशासाठी यूज केलं आपण, तिथल्या लाईन व्होल्टेजला, या लाईन व्होल्टेजला स्टेप डाऊन करण्यासाठी, आणि ते लाईन व्होल्टेज परत कुठे द्यायचं आहे आपल्याला, सिग्नल प्रोसेसिंग युनिटला। जसे आपण CT1, CT2 आणि CT3 या RYB फेज मध्ये कनेक्ट केले, जेणेकरून तिथला लाईन करंट आपण स्टेप डाऊन केला या CT1, CT2 आणि CT3च्या सहाय्याने, आणि तो स्टेप डाऊन केलेला लाईन करंट आपण कुठे दिला, सिग्नल प्रोसेसिंग युनिटला। ठीक आहे,
नाउ सिटी फोर इज कनेक्टेड इन न्यूट्रल, यहाँ पे दिखाया है आपको सिटी फोर कहाँ पे कनेक्टेड है आपका, न्यूट्रल में कनेक्टेड है। द न्यूट्रल करंट इज मॉनिटर्ड टू चेक द बैलेंस लोड कंडीशन, न्यूट्रल करंट वहां पे मॉनिटर्ड करना है ताकि वहां का बैलेंस लोड कंडीशन को हम चेक कर सके। ठीक है, अभी इसका वर्किंग कैसे होता है देखो, कि वोल्टेज एंड करंट सिग्नल्स फ्रॉम सिटी पीटी एंड सिटी आर सैम्पल्ड एंड कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। जो वोल्टेज एंड करंट सिग्नल्स आते हैं अपने पास पीटी एंड सिटी से, उसको हमें सैम्पल करना है और बाद में उसको कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्म। ठीक है, वोल्टेज आणि करंट सिग्नल जे येत आहेत आपल्याकडं पीटी आणि सीटी कडून, त्यांना सॅम्पल करायचं आहे आणि त्यांना कन्वर्ट करायचं आहे आपल्याला डिजिटल फॉर्म मध्ये। देन नेक्स्ट द सिग्नल प्रोसेसिंग युनिट कॉम्प्युट द ऍक्टिव्ह अँड रिएक्टिव पॉवर। सिग्नल प्रोसेसिंग युनिट काय करेल तिथं, ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव पॉवरला कॉम्प्युट करेल, म्हणजेच ते मेजरमेंट करेल ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह पॉवरचं, इथं दिलेलं आहे आपल्याला, क्लिअर आहे। आणि एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलो वॅट आवर, आणि एनर्जी सुद्धा ते कम्प्युट करेल म्हणजेच मेजर करेल किलो वॅट आवर मध्ये, क्लिअर आहे। द कंट्रोल प्रोसेसर डज द नेसेसरी डेटा प्रोसेसिंग वर्क, कंट्रोल प्रोसेसर क्या करेगा वहां पे, नेसेसरी डेटा प्रोसेसिंग वर्क करेगा, ये कंट्रोल प्रोसेसर है आपका और वो डेटा प्रोसेसिंग का काम करेगा। ठीक है, नेसेसरी डेटा प्रोसेसिंग वर्क करेगा वहां पे, एंड मेमोरी मैनेजमेंट टू मॉनिटर, और वो मेमोरी मैनेजमेंट भी करेगा मॉनिटर करने के लिए, एंड इवेल्युएट डिफरेंट पैरामीटर्स, और वो ये बाद में डिफरेंट पैरामीटर्स को वो इवेल्युएट करेगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्रोसेसर करेगा अपना, समझ लो कंट्रोल प्रोसेसर काय करेल, तिथं नेसेसरी डेटा प्रोसेसिंग वर्क करेल आणि मेमरी मॅनेजमेंट करेल मॉनिटर करण्यासाठी, आणि नंतर वेगवेगळ्या पॅरामीटर्सला इव्हॅल्युएट करेल। सो आर टी सी यानी रियल टाइम क्लॉक रहेगा आपका, सो आर टी सी यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में, सो ये आपका आर टी सी है और ये एस एम पी एस को कनेक्टेड है, एस एम पी एस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। सो आर टी सी इज प्रोवाइडेड फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल डेटा प्रोसेसिंग वर्क। आर टी सी क्यों कनेक्ट किया है यहाँ पे, ताकि आपका जो पूरा डेटा प्रोसेसिंग वर्क है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए वहां पे आर टी सी प्रोवाइड किया है। ठीक है, एंड द डिस्प्ले यूनिट इज इंटरफेस्ड विद द कंट्रोल प्रोसेसर, वहां पे डिस्प्ले यूनिट, यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले यूनिट क्या किया है, वहां के कंट्रोलर प्रोसेसर को इंटरफेस किया है, डिस्प्ले यूनिट इज इंटरफेस्ड विद द कंट्रोलर कंट्रोल प्रोसेसर। नेक्स्ट, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन द एलसीडी डिस्प्ले, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आपको डायरेक्टली एलसीडी डिस्प्ले पे डिस्प्ले हो जाएंगे। एसएमपीएस यानी स्विच टू मोड पावर सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू गिव कॉन्स्टेंट डीसी सप्लाई, एसएमपीएस क्यों करने के यहाँ है, ताकि हम वहाँ पे कॉन्स्टेंट डीसी सप्लाई वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें, इसके वजह से वहाँ पे एसएमपीएस यहाँ पे कनेक्ट किया है, एसएमपीएस से हम कॉन्स्टेंट डीसी सप्लाई वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड द डेटा ऑफ एनर्जी मीटर इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, डेटा जो है वो हम यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करेंगे इसका। ठीक है, ये यहाँ पे मेमोरी दिखाया है, तो ये ऐसा इसका वर्किंग होता है देखो। ठीक है, थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का, क्लियर है, समझ में आया, तो ये है आपका थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। ओके, सो इसमें कुछ डाउट है आज के पॉइंट में आपको, ये कैलिब्रेशन का सेकंड मेथड देखा हमने आज, कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर बाय डायरेक्ट लोडिंग मेथड, देन हमने आज के लेक्चर में सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर के कुछ एरर्स देखे, बाद में उसके कुछ एडवांटेजेस देखे, और लास्ट में हमने पॉइंट देखा थ्री फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन एंड उसका वर्किंग। तो आज के पॉइंट्स में अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक, सो विल स्टॉप हियर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन। Okay, we'll meet in the next lecture. Thank you. Thank you very much.